हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बॉर्डर साड़ी ड्रेपिंग जो कि हेवी वर्क की साड़ी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आप ही देख ही पा रहे होंगे कि ये साड़ी बहुत ही हेवी है। इसको जो स्टोन वर्क किया हुआ है बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसकी सजावट की हुई है। सो सबसे पहले एंड वाले कॉर्नर पर हमें कुछ इस तरीके से नॉट ज़रूर बना लेनी है। इस तरीके की हेवी साड़ीज़ के साथ में ये ज़रूर ट्रिक यूज़ कीजिएगा, नॉट बना लेनी है। साथ ही साथ हमें जो है टकिंग करना, यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, मिडल पार्ट से हो या फिर लेफ्ट साइड से हो टकिंग करना जो है, तो हमें अलवेज राइट साइड से ही टक करना स्टार्ट करना है, कुछ इस तरीके से। अब देखिएगा, मैंने हील्स को वेयर कर लिया है और साड़ी को जो है हम टक कर रहे हैं, तो टकिंग करते वक्त इस तरीके से लेफ्ट साइड से हम इसको स्टार्ट करेंगे टकिंग करना और बाद में वन बाय वन पूरा पोर्शन जो है इसको टक कर देंगे राइट साइड की तरफ। सो आप देख सकते हैं कि नीचे की जो लेंथ है वो थोड़ी सी ऊपर मैंने रखी हुई है। ये हमें सिर्फ हेवी साड़ीज़ में करना है, लेंथ को फ्लोर को टच करते नहीं रखना है, क्योंकि ये हेवी साड़ी है इसलिए हम कुछ इस तरीके से रखेंगे। सो देखिएगा, इस तरीके से ये जो लेंथ है अपने आप में थोड़ी सी जब हम वेयर करते हैं तो अपने आप में ये साड़ी जो है नीचे की तरफ चली जाएगी, क्योंकि हेवी है सो नीचे की तरफ अपने आप में ये आ जाता है। सो इसीलिए थोड़ा सा फ्लोर को टच करते नहीं तो ऊपर की तरफ रखेंगे। बाद में यहाँ पर बेसिक राउंड हम बना लेंगे, नीट एंड क्लीन बनाना है कुछ इस तरीके से। सो इस तरीके से बना लेंगे और इसका जो पोर्शन है सो हमें थोड़ा सा यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही पेटीकोट वेयर किया हुआ है, बेली बटन के ऊपर थोड़ा सा, क्योंकि ये अपने आप में थोड़ा सा नीचे की तरफ साड़ी आ जाती है इसलिए। अब हम चलेंगे हमारे पल्लू की तरफ। सो पल्लू का जो पोर्शन है आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल है, कुछ इस तरीके का वर्क इस पर किया हुआ है। ये साड़ी जो है कैमरा में इतनी अच्छी तरीके से शूट नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये इसका जो वर्क है बहुत ब्यूटीफुल है। और अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से दोनों कॉर्नर को पकड़कर अगर आपको थोड़ा सा बड़ा लेंथ में पल्लू चाहिए तो इस ट्रिक का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। दोनों कॉर्नर को पकड़ना है और यहाँ पर इस तरीके से पकड़ने के बाद प्लीट्स को अरेंज करना है, और प्लीट्स बनाने के बाद इन बॉर्डर को कुछ इस तरीके से यहाँ पर फैला देना है अपोजिट डायरेक्शन में, देखिएगा। सो ये जो पल्लू का पोर्शन होगा बहुत ब्यूटीफुल लगेगा हेवी साड़ीज़ के साथ में, अगर आपको चौड़ाई में बड़ा पल्लू चाहिए तो। सो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये साड़ी मैंने मेशो से परचेज़ की हुई है, इसका कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत अच्छी साड़ी मुझे ये लगी। मैं यहाँ पर कुछ इसी तरीके का पल्लू बनाना चाहूँगी, अरेंज करना चाहूँगी जितनी पल्लू की चौड़ाई है। सो ऊपर की जो बॉर्डर आती है गले की तरफ उसको मैंने कुछ इस तरीके से पकड़ा है, और पकड़ कर जितना अभी यहाँ पर बॉर्डर दिया हुआ है साड़ी का स्टोन वर्क का, उसी के हिसाब से अब मैं यहाँ पर पल्लू का जो पोर्शन है वो यहाँ पर अरेंज करना चाहूँगी कुछ इस तरीके से। सो वन बाय वन हम क्या करेंगे, यहाँ पर अरेंज करेंगे। यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं एक आध प्लेट्स अगर आपकी कम ज़्यादा होती है तो। सो दोनों आप देख सकते हैं दोनों पोर्शन जो है वो एक जैसे आए हुए हैं। अब ये वाली जो बॉर्डर है पीछे की, इसको हमें इस तरीके से थोड़ा सा मरोड़ देना है, यानी कि जो सामने की बॉर्डर है उसी डायरेक्शन में इसको भी बना लेना है इस तरीके से। सो दोनों जो डायरेक्शन है आप देख सकते हैं कि एक जैसे आई है, सो इसी तरीके से आनी चाहिए। अभी इसको बनाने के बाद ऊपर का जो हेवी वर्क है, ऊपर की जो बॉर्डर है बहुत हेवी है, यहाँ पर हम सेफ्टी पिन नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा नीचे की तरफ लगाएंगे। अब यहाँ पर हम कम से कम सेफ्टी पिन का यूज़ करेंगे, और सेफ्टी पिन भी बड़ी वाली सेफ्टी पिन का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये स्टोन वर्क है निकल सकता है। सो इस तरीके का एक पिन लेंगे और यहाँ पर मैं इसको लगा कर इस तरीके से पीछे की तरफ लगा रही हूँ। यहाँ पर लगाने के बाद आप चाहे तो यहाँ पर जो कपड़े सुखाने का पिन वगैरह आते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बॉर्डर अगर आपकी बहुत ज़्यादा स्टोन वर्क वगैरह होगी और बहुत ज़्यादा फुला फुला यहाँ पर आएगा तो ये इसमें बैठेगा नहीं इस तरीके से। सो इसीलिए मैंने सेफ्टी पिन का यूज़ किया है। आप चाहे तो इसको इस तरीके से बिठा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा निकलता है क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लफी है तो वो बैठेगा नहीं उसमें। अब हम चलेंगे नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ भी हम क्या करेंगे, अभी इसी डायरेक्शन में वन बाय वन प्लीट्स को अरेंज करेंगे, और एक अच्छा खासा पल्लू हमें अरेंज कर लेना है। अंदर की जो प्लीट्स है उसको भी अच्छे से सेट करेंगे और बॉर्डर को भी अच्छे से सेट करेंगे, और इसी तरीके से हम अब यहाँ पर मिडल पोर्शन में इसका जो फ्लफीनेस है वो कम हो चुका है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से पिन भी लगा सकते हैं जो कपड़े सुखाने की आती है वो, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ज़्यादा भी सेफ्टी पिन का यूज़ करते हैं तो जो स्टोन वर्क होता है वो निकल सकता है, क्योंकि इस ये साड़ी वाली जो साड़ी है इस पर एम्ब्रॉयडरी वर्क नहीं है, स्टोन वर्क से इसका पूरा जो पल्लू है बॉर्डर है वो दी हुई है। सो इसको हम इस तरीके से अरेंज करेंगे और अच्छे से
पल्लू का जो पोर्शन है वो बनाते जाएंगे। और इस तरीके की साड़ीज़ में दिक्कत आती है कि पल्लू भी हमारा एक तरफ झुकने लगता है जब हम लेफ़्ट वाले शोल्डर पर डालते हैं। तो सो उसको भी मैं बताना चाहूँगी कि किस तरीके से हम अच्छी तरीके से इसको सेट कर पाएंगे। सो इस तरीके से अब हम अरेंज करेंगे और एक अच्छा खासा पल्लू का पोर्शन बना लेंगे। अब पल्लू का पोर्शन आप देख सकते हैं एकदम से नीट एंड क्लीन आया है और कहीं पर भी हमें अंदर का पोर्शन या प्लीट्स जो है बाहर आ रही है तो उसको अच्छे से सेट कर लेना है। सो पीछे से आप देख सकते हैं कि इसको अब हम इस तरीके से फिर से क्राउन लेंगे और इसको अब मैं लेफ़्ट वाले शोल्डर पर डालूंगी और शोल्डर पर डालने के बाद इसको अच्छे से हम सेट कर लेंगे। तो पल्लू का पोर्शन पीछे से आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा कम आया है तो ये अच्छा लुक नहीं दिखाई देता। मैंने ऑलवेज कहा है कि थोड़ा सा लंबा पल्लू ज़रूर आप यूज़ कीजिएगा जिससे कि टॉल और स्लिम लुक दिखाई देने में हमें हेल्प होती है। सो घुटने से नीचे तक रखेंगे पल्लू का पोर्शन और सामने से ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर मैं एक पीन लगाना चाहूँगी लेकिन पीन हमें पीछे की तरफ लगानी है, ना कि शोल्डर के एक तरफ लगानी है या फिर गले की तरफ नहीं लगानी है। तो जहाँ पर हम शोल्डर पर पीन लगा रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले शोल्डर पर जो पोर्शन आता है वहाँ पर पहले एक पीन लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। इससे आपकी प्लेट सिक्योर रहेगी क्योंकि हम पीन लगाते हैं इस तरीके की हेवी साड़ीज़ में तो अक्सर एक आध प्लेट्स निकल सकती है क्योंकि हेवी होती है, पूरी जो पीन वगैरह हम लगाते हैं वो नहीं रह पाती। सो इस तरीके से अब हम पीछे की तरफ जाएंगे और पीछे की तरफ हमें पीन लगानी है। किसी की हेल्प से भी आप लगा सकते हैं ब्लाउज़ को अटैच करते हुए, जिससे कि आपका पल्लू सामने की तरफ ना झुकेगा नहीं। और ऊपर की तरफ हमने एक पिन ऑलरेडी हमारे पल्लू को लगाई थी जिसकी वजह से आपका पल्लू शोल्डर पर सिक्योर रहेगा। ये जो बॉर्डर है इसको भी अब हमें कुछ इस तरीके से अच्छे से नीट एंड क्लीन लेना है। सिर्फ बॉर्डर का पोर्शन मैंने लिया हुआ है पल्लू के नीचे की प्लीट, बाकी के जो प्लीट्स है और बाकी की जो बॉर्डर है उसको अब हम कुछ इस तरीके से अच्छे से सेट करेंगे और इसको अब हम कुछ इस तरीके से खींचेंगे ताकि बॉर्डर भी अच्छी तरीके से दिखाई देगी। और इस तरीके की साड़ीज़ में अक्सर यही दिक्कत आती है ऊपर की तरफ, हेवी साड़ी होने की वजह से पल्लू एक तरफ झुकता है। सो पहले अगर हम पीन लगा लेते हैं तो ये नहीं झुकेगा और पीछे की तरफ ज़रूर पीन लगा लीजिएगा। और आपको अगर लगता है कि फिर भी झुक रहा है ऊपर की तरफ तो एक पीन आप फिर से लगा सकते हैं शोल्डर के ऊपर। अब हम ये वाली जो पोर्शन है इसको खींचेंगे। सो यहाँ पर बॉर्डर नहीं दी हुई है, सो ये वाला प्लेन फैब्रिक है। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि इसको सिर्फ हमें खींचना है अच्छी तरीके से और खींच कर यहाँ पर हम इसको सिर्फ टक इन करने वाले हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे और टक इन कर देंगे। सो इससे भी हमारे जो कर्व का पोर्शन है या फिर लेफ्ट साइड का पोर्शन है वो बहुत अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन आता है। अब हम चलेंगे हमारी फ्रंट प्लीट्स की तरफ। सो देखिएगा यहाँ पर हमें फ्रंट प्लीट्स को अरेंज करना है। तो ये वाले जो साड़ी का फैब्रिक है ये जॉर्जेट का है। सो इसको हम कुछ इस तरीके से लेंगे, बेली बटन तक छोड़ देंगे और बाकी के जो प्लीट्स है उसको अरेंज करना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। सो प्लीट्स हमें थोड़ी सी मीडियम लेंथ की बनानी है, ये जॉर्जेट का फैब्रिक है। सो इसको हम थोड़ा सा छोटे छोटे प्लीट्स बनाएंगे तो भी अरेंज होता है, लेकिन छोटे प्लीट्स मत बनाइएगा, मीडियम लेंथ के ही बनाइएगा क्योंकि हेवी साड़ी है। एकदम छोटे छोटे प्लीट्स भी हम बनाएंगे तो वो अरेंज नहीं हो पाएंगे क्योंकि नीचे से जो वर्क दिया हुआ है ये हेवी है। सो इसीलिए मीडियम लेंथ के प्लीट्स हम यहाँ पर अरेंज कर रहे हैं कुछ इस तरीके से और इन सारी प्लीट्स को अब हमें अच्छे से सेट करना है। आपको मैं फिर से दिखाना चाहूँगी कि जो मीडियम लेंथ के प्लीट्स हैं वो अब हम यहाँ पर अरेंज कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, एकदम छोटे प्लीट्स नहीं। और जो भी प्लीट्स हम बना रहे हैं वो प्लीट्स एक जैसे आनी चाहिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्योंकि हमारी जो प्लीट्स है वो एक जैसे आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक प्लीट बड़ी आई और एक प्लीट छोटी आई। ये वाला जो फैब्रिक है इसको हम टक कर देंगे अंदर का, इसको छोड़ दिया है, ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। अभी जो सामने की प्लीट्स हमारे अरेंज हुए हैं उन सारी प्लीट्स को अब हमें कुछ अच्छी तरीके से सेट करना है। वन बाय वन हम इन सारी प्लीट्स को लेंगे और यहाँ पर पिन लगाना मस्ट है क्योंकि हेवी फैब्रिक है। एक आध प्लीट्स ज़रूर बिल्कुल भी ऐसा होता है कि निकलती ही है इस तरीके की साड़ी में और इसका फैब्रिक अक्सर जॉर्जेट का दिया हुआ होता है। सो इस तरीके से लेंगे और यहाँ पर एक पिन हम ज़रूर लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। सो इसको अब हम पिन इस तरीके से लगाने के बाद पूरी जो प्लीट्स है वो एक जैसे दिखाई देती है, सिक्योर भी रहती है और अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन भी है लगती है। आप देख ही सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा जो पोर्शन है वो दिखाई दे रहा है। बॉर्डर भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर सेट हुई है नीचे की तरफ से भी। ये वाला जो फैब्रिक है इसको हम एक तरफ से करेंगे। अब हम इन सारी प्लीट्स को बेली बटन के नीचे टक करने वाले हैं, लेफ्ट साइड में नहीं और ज़्यादा भी राइट साइड में नहीं। पोर्शन आप देख रहे होंगे कि नीचे की तरफ हमें ज़्यादा फ्लोर को टच करते हुए नहीं टक करना है, अपने आप में बाद में ये नीचे की तरफ चला जाता है
थोड़ी देर बाद अगर आप चलते हैं इधर उधर, तो अपने आप में आप देखोगे कि ये साड़ी थोड़ी सी नीचे आ चुकी होगी। अब ये वाला जो फैब्रिक है इसको अब हमें कुछ इस तरीके से खींचना है। देखिएगा यहाँ पर रिस्ट जो है वो हमें बराबर हमने बेली बटन के नीचे टक किया है, जाना कि लेफ्ट साइड में। इस तरीके से इसको लेंगे और इसको अब हम ट्विस्ट करेंगे, और ट्विस्ट करने के बाद कमर में टक इन कर देंगे। सो टक इन करने के बाद इस तरीके से ये वाला जो लुक है वो यहाँ पर नीट एंड क्लीन हमारा आ जाएगा। कर्व का पोर्शन हो या फिर सारी प्लीट्स हो, वो भी हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से वन बाय वन यहाँ पर आई है, ना कि इकट्ठा प्लीट्स हमारी अरेंज हुई है। सो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा नीचे का पोर्शन यहाँ पर अरेंज हुआ है। अब हम चलेंगे हमारे ऊपर की पोर्शन की तरफ। सो जो बॉर्डर है उसी के हिसाब से हम इन साड़ी को पोर्शन को साड़ी को अच्छे से सेट करना चाहेंगे। सो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा जो लुक है वो यहाँ पर अरेंज हो चुका है। यहाँ पर ये देखिएगा, ये बॉर्डर अगर बहुत ज़्यादा ढीली हो चुकी है तो आप चाहे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से भी ले सकते हैं। थोड़ा सा खींचना है और यहाँ पर इस तरीके से ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करके आप पिन लगा सकते हैं इस तरीके की, और पिन लगा कर अंदर की तरफ से दोनों जो बॉर्डर है ऊपर की और अंदर की वो एक अलग तरीके से दिखाई दे रही है, इसकी वजह से, क्योंकि ट्विस्ट करके हमने पोर्शन को पिन लगाया। अगर ऊपर की तरफ आपका पूरा पोर्शन थोड़ा सा ढीला हो गया तब ये ट्रिक का यूज़ कीजिएगा। सो इस तरीके से हमारी फाइनल जो ड्रेप है वो कम्प्लीट हो चुकी है। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।